हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी A14 5G के बारे में। सैमसंग ऑलरेडी गैलेक्सी A04e और गैलेक्सी M04 इन दो ही स्मार्टफोन्स पर काम कर रहा है और सैमसंग ने 2-3 दिन पहले ही गैलेक्सी A14 5G को भी वाईफाई अलायंस सर्टिफिकेशन साइट पर स्पॉट किया है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि इस फोन का डेब्यू हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। गैलेक्सी A14 5G सैमसंग का सबसे चीपेस्ट और एंट्री लेवल का 5G स्मार्टफोन रहने वाला है, जो कि बड़ी डिस्प्ले के साथ आएगा। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं गैलेक्सी A14 5G की फुल स्पेसिफिकेशन, एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। तो उम्मीद है गाइस ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी कमाल की टेक वीडियो सबसे पहले देखते रहने के लिए। तो सबसे पहले इस फोन के लुक और डिजाइन के बारे में बात करें तो ये फोन फुल्ली पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना होगा, यानी कि प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम मिलने वाला है और फ्रंट में इन्फिनिटी यू का डिस्प्ले है। ओवरऑल फोन दिखने में डिसेंट से लगता है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में इन्फिनिटी यू का डिजाइन में 6.8 इंच की बड़ी साइज वाली IPS LCD डिस्प्ले लगी होगी, जो कि 90Hz हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगी और डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो डिस्प्ले आपको इस फोन की काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी और बड़ी साइज की डिस्प्ले होने की वजह से व्यूइंग एक्सपीरियंस भी काफी कमाल का होगा। कैमरे सेक्शन की बात करें तो इस फोन के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। इसमें 50MP का मेन कैमरा होगा, 2MP का डेप्थ और 2MP का ही मैक्रो शूटर लगा होगा अलोंग विद LED फ्लैश लाइट, और फ्रंट में 5 या फिर 8MP का सेल्फी कैमरा होगा। फ्रंट और रियर दोनों से ही फुल HD में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो कैमरा क्वालिटी भी आपको इस फोन की डिसेंट सी देखने को मिल जाएगी। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये फोन 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आएगा, जो कि 15W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा और चार्जर भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो सैमसंग इस फोन में स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 या फिर मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 चिपसेट को ऑफर कर सकता है, जिसमें आपको 12 5G बैंड तक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और परफॉर्मेंस भी आपको इस फोन की ठीक ठाक देखने को मिलने वाली है, जिसमें आप नॉर्मल गेमिंग वगैरह भी काफी अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस, आपको इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी, 3.5mm ऑडियो जैक, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। प्राइस और लॉन्च डेट की बात करें तो इस फोन का लॉन्च हमें नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा और इसके बेस वेरिएंट की प्राइस 13,000 रुपये होगी। तो गाइस, क्या आप सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन गैलेक्सी A14 5G के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, बताना जरूर कमेंट्स करके। तो दोस्तों, बस आज के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर रोजाना ऐसी कमाल की टेक वीडियो सबसे पहले लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।